रूस यूक्रेन जंग के बीच जेलेंस्की का एक नया वीडियो सामने आया है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां पर दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने काला सागर को लेकर रूस को चेतावनी दी है। विदेशी न्यूज एजेंसी के मुताबिक जेलेंस्की ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेनी क्रीमिया और आजोव सागर तट के पास रूस को आने से उतना ही डरना होगा जितना रूसी जहाज पहले से ही हमारे काला सागर तट के पास आने से डरते हैं। बता दें कि रूस ने 2014 में यूक्रेन से काला सागर पर कब्जा कर लिया था। स्वीडन में कुरान के साथ छेड़छाड़ को लेकर इस्लामिक देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने सऊदी अरब के जद्दा में आपातकालीन बैठक बुलाई, जिसमें कुरान के कथित अपमान को लेकर वैश्विक स्तर पर कार्रवाई की बात की गई है। साथ इस्लामिक देशों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। वहीं मोरक्को ने विरोध जताते हुए अपने राजदूत को अनिश्चितकाल के लिए स्वीडन से वापस बुला लिया है। फ्रांस में नाबालिग लड़की की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। फ्रांस की मीडिया के मुताबिक पुलिस ने रविवार को करीब 40 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया। फ्रांस में उपद्रव के बीच अब तक 3000 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। खबर है कि हिंसा में अब तक 50 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं, जबकि 26 पुलिस स्टेशन समेत करीब 70 से ज्यादा बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया गया है।